मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं उसमें अगर एक आम आदमी को जिसकी अफोर्डेबिलिटी कम है उसके लिए अगर कोई माकूल कीमत पर सोर्स ऑफ प्रोटीन अवेलेबल है तो वो चिकन और अंडों की सूरत में है, क्योंकि बहुत सी दालें ऐसी हैं जो कि मुर्गी से भी महंगी है। आज से कुछ अर्सा पीछे अगर चले जाएं तो ये पोजीशन होती थी कि लोग इसको एक बड़ी अय्याशी, एक लग्जरी समझते थे कि मुर्गी अगर किसी घर में पकनी है तो। लेकिन अब पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जो काविशें हैं और उससे उनकी कोशिशों की वजह से जिस तरीके से हमारे यहाँ यहाँ इस पोल्ट्री की अफजाइश हुई है उससे एक आम आदमी को भी मुनासिब निरखों पर प्रोटीन और अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन अब मिल जाती है। आजकल का जो दौर है उसमें चिकन की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हम अगर किसी शादी में चल जाएं, बाहर खाने पे चल जाएं, ज़्यादातर डिशेज ऐसी हैं जिसमें चिकन ही इस्तेमाल किया जाता है, तो ज़ाहिर है वो हम भी खाते हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं, हमारे घर में भी आते हैं।